अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा, जिस बंगाल को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ममता बनर्जी वहां पैनिक मोड में है, क्या वहां बीजेपी अच्छा कर रही है। इस बार के चुनाव में सबकी नजरें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर होंगी। बंगाल को लेकर पीएम मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। एग्जिट पोल में भी पीएम मोदी भविष्यवाणी उनकी सही साबित होती दिख रही है। एग्जिट पोल, बंगाल का एग्जिट पोल देखिए क्या कह रहा है। बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बंगाल के अंदर 20 से 22 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, 42 में से, टीएमसी को 19 से 21 और कांग्रेस को या कांग्रेस गठबंधन को 1 से 2 सीटें आ सकती है। यह अपने आप में बंगाल के इतिहास में ऐतिहासिक तस्वीर होगी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए बंगाल के अंदर। और वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी को 44% वोट शेयर आता दिख रहा है एग्जिट पोल में, टीएमसी को 43% और कांग्रेस को मात्र 7%, अन्य को 6%। यह अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है बंगाल के लिहाज से कि बीजेपी जो 2004 तक बंगाल में कहीं नहीं थी, आप देखिए वो किस तरह से राइज कर रही है। ये अभी आप बिहार का मत डालिए, बंगाल का दिखाइए, बंगाल का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, बंगाल में किस तरह से वहां पर बीजेपी ने गेन किया। अगर आप देखेंगे 2014 तक बीजेपी कहीं नहीं होती थी, 2019 में सीधे 18 पर पहुंची और अब बीजेपी 21 पर पहुंचती दिख रही है। टीएमसी 43 से घटकर 22 हुई, 22 से 20 पर आ गई है और कांग्रेस खत्म होती जा रही है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ है, बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। यह अपने आप में इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाएगी अगर यह सही साबित होता है रिजल्ट वाले दिन भी। एक बार हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जो यह आंकड़ा है उसको समझने के लिए पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बंगाल में यह बीजेपी का राइज जो है, इसकी बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो वहाँ पे जो सीए का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जो अपने एससी जो कम्युनिटी है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है और एसटी भी। और दूसरा, ममता बनर्जी पे, उनकी सरकार पे करप्शन का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे फील्ड पे उनके जो एमएलए है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा जो सबसे बड़ा है वहाँ पे पोलराइजेशन का है, मुस्लिम अपीजमेंट का जो है टीएमसी का, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस जो है वो अपने अलग, कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पे गठबंधन में लड़ रही है और टीएमसी को वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है आपका मुस्लिम का वोट काट दे रही है वहाँ पे टीएमसी का, यानी मुसलमान वोट बट गया है टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। और एक और मैं सुशांत जी आपको कहूंगा कि वहाँ पे महुआ मोइत्रा जी जो है वो अपनी सीट हार रहे हैं बीजेपी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा अपनी सीट गंवा सकती हैं, कोई फाइट है या क्लियर हार रही हैं? नहीं, वो क्लियर हार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने वहाँ की जो रानी माँ है जिनको बोलते हैं उनको खड़ा किया और वो काफी वहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर है, वो जीत रही। और दूसरा, महुआ मोइत्रा का एक वहाँ पे वो भी था कि ये इतना अवेलेबल नहीं रहते हैं वहाँ पे जनता के लिए, और वो तो वो उनपे थोड़ा नेगेटिव फैक्टर काम किया है। ये महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो तो ये बोलकर गई थी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो उसका जवाब जनता देगी, और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि महुआ मोइत्रा चुनाव हार सकती हैं। और अब आप देखिए, 443 सीटों का हमने रुझान बता दिया है एग्जिट पोल में, और एनडीए को पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल में 443, 100 सीटों का आंकड़ा आना बचा हुआ है, और यहीं पर एनडीए को 284 सीटें आ गई है, यानी बहुमत के 272 के आंकड़े से 12 सीट ज्यादा। ये इस वक्त तस्वीर दिख रही है, लेकिन फाइनल फिगर क्या होगा, बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन बंगाल में इस बार बीजेपी की बढ़त की वजह समझिए। ममता सरकार के सामने पीएम मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया है, सीएए के तहत नागरिकता देने के फैसले का मुद्दा जो है वो भी वहां पर चला है, जैसा पीयूष भी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन पर भी लोगों ने भरोसा किया। टीचर भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा डेंट लगा है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के यहां छापे में मिले नोटों के पहाड़ से बंगाल के लोग सन्न रह गए थे, इससे बंगाल के लोग बहुत नाराज हुए। इसके अलावा टीएमसी नेता शाहजहां शेख के कांड को ममता सरकार ने जिस तरह से डिफेंड करने का प्रयास किया, उसे बचाने का प्रयास किया, उसे देखकर लोगों को भरोसा ममता बनर्जी सरकार पर कम हुआ। इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने इस चुनाव में प्रमुखता से उठाया और ऐसा दिख रहा है कि यहां पर बीजेपी को इसका फायदा हुआ है और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। पीयूष, एक बात और बताइए जल्दी से, क्या संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में बहुत बड़ा था?
देखिए संदेश खाली का मुद्दा वहाँ पे बहुत बड़ा था, दो इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि उसको चुनाव होते होते थोड़ा फेड अवे हो गया, पर मुद्दा जरूर बहुत बड़ा था। विमेन सेफ्टी को लेकर जो मुद्दा है वो है वहाँ पे। ठीक है,